अभी तक जितना सिटी घुमा ना, मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया साइकिलिंग के लिए देख सकते हो कितना बढ़िया से रोड बनाया गया है। और इन सब पुतले को देखो जो कि टूटा हुआ चूरी से बना हुआ है, देख सकते हो काफी सुंदर है, बट नेचुरल तो नेचुरल। तो बिल्कुल भी टच मत करना, ये दीवार जो है ना पूरा हिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है देखने में एक पतीला का ऊपर एक पतीला बिठा रखा है। और इधर देखो कितना बढ़िया सुविधाएं बना रखा है पार्किंग। अगर आप लोगों को जापान जाना है और पैसा नहीं है तो आप लोग आ सकते हो, सेम मुंबई का मरीन ड्राइव जैसा रहता है ना शाम के टाइम पे, वैसा ही टाइप का है थोड़ा बहुत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब एकदम बढ़िया मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 263 और कल रात में जो है ना टेंट वगैरह नहीं लगाया था, मस्त तिरपाल बिछा के इधर ही सो गया था। तो मस्त अभी पैक कर भी चुका हूँ अपना चादर वगैरह। और इधर देखो कितना मस्त चावल का खेती और फॉग गिर रहा है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। तो अभी जो है ना मस्त नहा धो लेते हैं। नहाने के लिए जो है ना कितना मस्त सुविधाएं बना रखा है इस पंप में, ये देख सकते हो टुंटी वगैरह इधर लगा रखा है, क्योंकि इधर जो है ना बहुत सारा ट्रक वगैरह रुकता है ना, तो ट्रक का जो ड्राइवर है वो इधर ही नहाता है। तो मैं भी मस्त नहा लेता हूँ, सिर्फ गिला नहीं करूँगा, ऐसे सिर्फ बॉडी को धो लेते हैं, सिर्फ अच्छा लगता है सुबह सुबह नहाने में। नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ राइड के लिए, तो आज का राइड को भी करते हैं स्टार्ट। और अभी जो चंडीगढ़ का डिस्टेंस है कुछ यहाँ से 40 किलोमीटर है, तो आज तो आराम से पहुँच जाएंगे और एक आधा प्लेस भी कवर हो जाएगा चंडीगढ़ में। एक बार रोड को देखो कितना सुंदर है, रोड के दोनों साइड में पेड़ लगा हुआ है, एकदम हरा भरा लग रहा है। और मौसम भी जो है ना बारिश वाला हो रहा है, ऊपर काला बादल छा रहा है, बस बारिश ना आ जाए। लेकिन जो मौसम है और जो रोड है, ये दोनों में ना साइकिल चलाने में एकदम मजा ही आ जाता है। तो मस्त अभी आराम आराम से चलाते रहते हैं। सुबह से लगभग जो है ना 25 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ और अभी जो है ना एक ब्रेकफास्ट का दुकान दिखा, ये देख सकते हो हम लोग इस रोड पे आ रहे थे और अभी हम लोगों को इधर जाना पड़ेगा चंडीगढ़, और ज्यादा दूर नहीं रह गया तो मस्त अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में जो है ना मस्त देख सकते हो आलू पराठा और आलू का सब्जी, कुछ 20 रुपये पीस पराठा है, अचार भी है, अच्छा है। ब्रेकफास्ट करके निकल चुका हूँ और 15 किलोमीटर और रह गया चंडीगढ़ का डिस्टेंस, तो पहुंच जाएंगे थोड़ा टाइम में। आज जो है ना चंडीगढ़ को एक्सप्लोर करने का भी टाइम मिल जाएगा। साइकिल चलाता हुआ अभी जो है ना चंडीगढ़ एंटर कर चुका हूँ, तो आप सभी लोगों को स्वागत है चंडीगढ़ में। ये सब जो बैरिकेड देख रहे हो ना, यही बॉर्डर था चंडीगढ़ और पंजाब का। चंडीगढ़ जो है ना हरियाणा का भी कैपिटल है और पंजाब का, और ऊपर से एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये जो है ना मेरा तीसरा यूटी होने वाला है चंडीगढ़, पहला था पांडिचेरी, दूसरा दिल्ली एंड तीसरा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में एंटर कर चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट में, डिस्टेंस जो है ना कुछ 7 किलोमीटर है यहाँ से। सात किलोमीटर साइकिल चला के आके पहुंच चुका हूँ पहला टूरिस्ट पॉइंट पे। तो इधर आते ही अपना चेतक को पार्किंग लगाया और इधर देखो कितना बढ़िया सुविधाएं बना रखा है पार्किंग के लिए, देख सकते हो। तो चलते हैं टूरिस्ट पॉइंट की तरफ। अगर आप लोगों को जापान जाना है और पैसा नहीं है तो आप लोग आ सकते हो चंडीगढ़ का इस गार्डन पे, जापानीज गार्डन पे देख सकते हो, जहाँ पर ये जापान का फील आएगा। तो अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं टिकट प्राइस वगैरह क्या रहते हैं। बहुत ही बढ़िया देख सकते हो, सब जापान का जैसा रहता है, सेम ऐसा ही आर्किटेक्चर वगैरह है सब कुछ। जापानीज गार्डन का शायद कुछ टिकट वगैरह नहीं लगता होगा, फ्री होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी काउंटर नहीं है और एंटर करते जो है ना यहाँ पर जापान का अंकल और आंटी आप लोगों को स्वागत करेगा। तो पार्क को घूमते हैं, बहुत बड़ा पार्क है।
इस पार्क के अंदर जो कुछ भी बना हुआ है ना, सब जापानी स्टाइल में, जैसे कि ये लाइट देख लो, सेम टू सेम जापान का जो घर होता है ना उसका छत ऐसा होता है, तो इसी टाइप का कुछ बना रखा है लाइट। और इधर का जो बेम्बो है ये सब भी देख सकते हो, जापान का शायद बेम्बो ऐसा होता होगा मेरे हिसाब से। ये देख सकते हो ऐसा लग रहा है देखने में, एक पतीला का ऊपर एक पतीला बिठा रखा है, ये देख सकते हो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में इस बेम्बो को। जापान में शायद ऐसा बेम्बो होता होगा, पता नहीं, होता होगा शायद। तो आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं नज़ारा वगैरह। और ये जो देख रहे हो ना, ये है जापान का मेडिटेशन हॉल, जो कि बहुत सुंदर है देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो एक कितना मस्त पेड़ का झोपड़ी जैसा कुछ बना रखा है, वाह। इसका नीचे आते जो है ना मस्त ठंडा सा लगता है एकदम, हवा सा। और ऊपर का फ्रेम चेक करो कितना बढ़िया आ रहा होगा। यहाँ पर पक्षी मस्त अपना घोंसला बना के रह सकते हैं। और नीचे देखो पप्पी मस्त हो रहा है एकदम ठंडी में, बहुत मस्त है देख सकते हो। इसे हम लोग जो है ना झाव घास बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बोल सकते हो। बहुत ही बढ़िया पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है ये, घूमते हैं धीरे धीरे करके। पार्क का बीच में जो है ना, ये देख सकते हो एक कुछ जापानीज टेंपल है कि क्या है पता नहीं, बाकी गूगल मैप में इसका नाम लिखा हुआ है पगोडा टावर करके, देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कितना बढ़िया लग रहा है देखने में जापानीज आर्किटेक्चर में। बस इतना ही था, पार्क घूम लिया पूरा पार्क, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे को लगा बहुत बड़ा पार्क होगा लेकिन उतना बड़ा पार्क नहीं है, नॉर्मल ही है, छोटा ही है। और अंदर जो है ना बाइक वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन ये पता नहीं कुछ काम वगैरह कर रहा है तो इसकी वजह से बाइक लेके चल रहा है। बाकी बहुत सुंदर पार्क है, आप लोग आओ और टाइम स्पेंड करो इस पार्क में, घूमो देखो। जापानीज गार्डन से अब निकल चुका हूँ नेक्स्ट और एक गार्डन की तरफ। चंडीगढ़ में जो है ना सब कुछ देखने लायक गार्डन ही है, वैसे पूरा चंडीगढ़ ही गार्डन है क्योंकि चंडीगढ़ को जो है ना पहले डिजाइन करके उसके बाद बनाया गया है, तो इसके वजह से ना पूरा चंडीगढ़ ही बहुत सुंदर है। अगर आप लोग चंडीगढ़ घूमने आ रहे हो तो टू व्हील से घूमना हमेशा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। देख सकते हो एकदम पार्क जैसा बना हुआ है, बहुत हरियाली है, बहुत हरियाली। और ये देखो साइकिलिंग के लिए कितना बढ़िया ट्रैक बना रखा है साइड साइड से, बहुत अच्छा लगा चंडीगढ़ सिटी घूमने में। अभी तक जितना सिटी घूमा ना मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया चंडीगढ़ ही लग रहा है, देख सकते हो कितना शांत है। और साइकिलिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छे से ट्रैक बना रखा है, लोगों को मोटिवेट करता है साइकिल चलाने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब पहुँचते हैं नेक्स्ट गार्डन पे। नेक्स्ट गार्डन में पहुँचने से पहले लंच कर लेता हूँ, और लंच पे जो है ना ये देख सकते हो मस्त छोले कुलचे है, यही बजट में लंच हो जाएगा। और ये देखो ये भैया का दुकान है साइकिल पे लेके, कितना बढ़िया सेटअप बना रखा है। कहाँ से हो भैया आप? यूपी से। अच्छा कितना दिन से बेच रहे हो यहाँ पर? हमारे लिए दो तीन साल। अच्छा टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है। और ये भैया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहा है, क्या नाम है भैया आपका? गौरव भाई। अच्छा गौरव, और आपका भैया? अच्छा तो चलो मस्त अभी लंच को करते हैं। लंच करके निकल चुका हूँ और देखो एक बार रोड का नज़ारा कितना सुंदर है, इतना हरा भरा है ना क्या ही बोलूँ। और जिस रोड पे चल रहा हूँ ये है साइकिलिंग रोड, और साइड में जो है ना वो गाड़ी वाड़ी चलने के लिए है। साइकिलिंग के लिए देख सकते हो कितना बढ़िया से रोड बनाया गया है, सच में चंडीगढ़ बहुत बढ़िया सिटी है, बहुत अच्छा है बहुत। नेक्स्ट पॉइंट में आके पहुंच चुका हूँ और इस पॉइंट का नाम है रॉक गार्डन। यहाँ पर आते जो है ना 10 रुपये देके अपना चेतक को उधर पार्किंग लगा दिया, और रॉक गार्डन के अंदर जाने के लिए भी जो है ना कुछ टिकट चाहिए, तो देखते हैं कितने का टिकट पड़ते हैं। तो कुछ 30 रुपये का टिकट लेके एंटर कर चुका हूँ रॉक गार्डन के अंदर। और जैसे कि रॉक गार्डन आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है पत्थर का गार्डन, तो ये देखो यहाँ पर सब पत्थर का ही बना हुआ चीज़ वगैरह देखने के लिए मिलेगा। ये देखो ये सब टूटा फूटा हुआ टाइल्स पुराना, इन सब से कुछ क्रिएटिव चीज़ बनाया गया है। धीरे धीरे अंदर की तरफ चलते हैं और देखने के लिए मिलेगा सब कुछ। यहाँ पर देख सकते हो छोटा छोटा बजरी से एक दीवाल बना रखा है, अगर आप लोग इस दीवाल के पास आओ तो बिल्कुल भी टच मत करना, ये दीवाल जो है ना पूरा हिल रहा है, अगर टूट गया तो फिर सीन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कलसी उलसी से कुछ बना रखा है देख सकते हो,
घूमते हैं। बाकी इधर का नेचर बहुत अच्छा है, पूरा हरा भरा है, देख सकते हो। रॉक गार्डन के अंदर जो सबसे सुंदर चीज है ना वो ये है, देख सकते हो, एक वाटरफॉल है। ये नेचुरल वाटरफॉल नहीं है, ये जो है ना इंसानों द्वारा बनाया गया है। बाकी बहुत सुंदर है और देख सकते हो कितना लोग भी आ रखे हैं, बहुत भीड़ है। और यहाँ पर काफी पत्थर से बना हुआ डेंजरस, मतलब आप लोग आओगे ना ऐसा लगेगा कि किसी पहाड़ में आ गया, किसी हिल स्टेशन में आ गया, देख सकते हो। तो धीरे धीरे चलते हैं ऊपर की तरफ और एडवेंचर करते हैं। और देख सकते हो कोई स्टेप नहीं है, ये पत्थर ही बना रखा है, इसी से चढ़ना है। अगर जिसको नॉर्मल एडवेंचर करना है तो यहाँ पर आ सकते हो, ये रॉक गार्डन में, पहाड़ से अगर डर रखते तो। अच्छा तुम्हारे भी ले लो क्या, क्या नाम है? अच्छा कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से हो। अच्छा मज़ा आ रहा है ना? बहुत मज़ा आ रहा है। तो इधर एडवेंचर करने के लिए कुछ नहीं है, आगे रास्ता बंद है, इधर भी रास्ता बंद है, तो उधर चलते हैं उसके अंदर। वो पत्थर के अंदर लोग जा रहे हैं, देख सकते हो। रॉक गार्डन के अंदर बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है, ये चेक करो। गार्डन में घूमते घूमते जो है ना अभी एक और वाटरफॉल मिल गया, ये देख सकते हो, उससे भी ज़्यादा बड़ा है, ये काफ़ी सुंदर है। बट नेचुरल तो नेचुरली होता है और जो इंसानों द्वारा बनाया गया है वो इंसानों द्वारा ही रहता है। और देखो यहाँ पर पत्थर कैसे कैसे दिया गया है, देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। हमारे मेघालय में जो है ना ऐसा नेचुरल जगह है, बहुत सुंदर सुंदर। अगर आप लोग नेचुरल देखना चाहते हो तो मेघालय जाना पड़ेगा। रॉक गार्डन के अंदर जो है ना आप लोगों को ऐसा पत्थर से बना हुआ पुतला बहुत देखने के लिए मिलेगा, ये देख सकते हो। काफी बढ़िया है। और जितना भी दरवाजा मिलेगा ना ऐसा छोटा छोटा मिलेगा, आप लोगों को ऐसे झुक के जाना पड़ेगा। और देखो कितना सारा पुतला, इधर देखो एंड इधर चेक करो, बहुत सारा पुतला बना हुआ है, देख सकते हो छोटा छोटा। ये पुतला है यहाँ पर, ये हिरन वगैरह है, बहुत बना रखा है पुतला, इस साइड में भी है। और इन सब पुतले को देखो जो कि टूटा हुआ चूरी से बना हुआ है, देख सकते हो, ये देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अलग अलग कलर का है ना। और इधर ऊपर टूटा हुआ टाइल्स और नीचे पत्थर, ऐसा लग रहा है हाफ पैंट पहन रखा है, बहुत ही बढ़िया। रॉक गार्डन से निकल के नेक्स्ट आगे पहुंच चुका हूँ सुखना लेक के पास, ये देख सकते हो। ये भी बहुत फेमस एक प्लेस है चंडीगढ़ का और बहुत भीड़ भाड़ भी रहता है, देख सकते हो बहुत लंबा लाइन है इधर भी और इधर भी। सेम मुंबई का मरीन ड्राइव जैसा रहता है ना शाम के टाइम पे, वैसा ही टाइप का है थोड़ा बहुत, ये देख सकते हो। और रॉक गार्डन से जो है ना लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये लेक। घूमते घूमते टाइम जो है ना कुछ 7:30 बज चुका है, तो अभी रात में रुकने के लिए जा रहा हूँ एक गुरुद्वारा पे, पासी में है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो जाके देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। तो इस गुरुद्वारा पे आया था, देख सकते हो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, लेकिन अभी जो है ना गुरुद्वारा पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो हॉल वगैरह कुछ भी अभी खाली नहीं है मतलब, तो इस वजह से जो है ना इस गुरुद्वारा पे नहीं हो पाएगा। तो अभी नेक्स्ट गुरुद्वारे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा दूर है यहाँ से। नेक्स्ट गुरुद्वारे पे आया तो इधर रुकने उकने का मस्त अपना हो चुका है। और ये गुरुद्वारा जो है ना सेक्टर 8 में पड़ता है, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है, देख सकते हो। तो इस ब्लॉग को जो है ना यही पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।